हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं बाजार से कुछ सीखा हूं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हालांकि मेरे को 50 रुपये प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मुझे ये जो कॉल है 44,400 की, 6 सितंबर की, 44,400 की 13 सितंबर की, और ये 44,500 की 13 सितंबर की, इन कॉलों ने, खैर इसके बारे में तो हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उससे पहले हम थोड़ा बाजार का एक ओवरव्यू लेते हैं, बाजार में हुआ क्या था। देखिए, बाजार यहाँ से ओपन होता है, आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी भी बदली हो गई है। एक्सपायरी मतलब मंडे को, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की होती है, वेडनेसडे को, बुधवार को होती है बैंक निफ्टी की, और गुरुवार की होती है किसकी, निफ्टी की। तो ये इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए अच्छा है ना? आपको हफ्ते में 3 दिन एक्सपायरी वॉलेटिलिटी वाले दिन मिलेंगे। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। तो बाजार यहाँ से ओपन हुआ इस हरी कैंडल से, और उसके बाद बाजार ने बढ़िया सा फॉल दिया, क्योंकि विदेशी बाजार गिरे थे। विदेशी बाजार मतलब ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं सब के सब, ठीक है? ये प्लानिंग बनती है कि भारतीय बाजार गिरे हैं तो अमेरिका में उस तरह से प्लानिंग बनेगी, अमेरिका में बाजार गिरे हैं तो भारत में उस तरह से प्लानिंग होगी। तो ऐसा होता है, कल अमेरिका बाजार गिरे थे तो जो मेरे जैसे चिल्लर पार्टी है उन लोगों ने सोचा कि आज बाजार गिरेंगे, तो वाकई में गिर गए दिन में। लेकिन हम लोग ये उम्मीद नहीं किए थे कि वापस जाएगा, लेकिन वापस चला गया बाजार, तो हम लोग ट्रैप हो गए ना। तो ये है, तो आज मैं ट्रैप नहीं हुआ। मुझे पता था कि बाजार, क्योंकि मैं जो चीज़ देख रहा था उसको कंटिन्यूसली वॉच कर रहा था। मैं वॉच किसको कर रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ऑप्शन चेन को वॉच कर रहा था कंटिन्यूसली, क्योंकि मैं कभी इस फेवर में नहीं रहता हूँ कि कौन सा बाजार ऊपर है कौन सा नीचे है। ऑप्शन चेन आपको बताती है कि अब बाजार में क्या होने वाला है, ठीक है? आप दिन भर में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि आज बाजार ऊपर ही रहेगा या फिर आज नीचे ही रहेगा। आपको ऑप्शन चेन को देखना होगा। ऑप्शन चेन भारतीय बाजार की एक हनुमान चालीसा है। हालांकि ये आज ऑप्शन चेन है ना, चेंज चेंज हो गई है, पूरा शॉर्ट कवरिंग आ गई। ये नहीं थी इस साइड में ना, पूरा रेड था ये, और पूरा रेड था। और यहाँ पर भी ये जो आउट ऑफ द मनी है अपर साइड में, यहाँ पर भी रेड था, और नीचे सिर्फ यहाँ पर पुट राइटिंग था, ठीक है? तो मैं बताऊंगा अभी आपको कि एक्चुअली ऑप्शन चेन ही मैं देखा था कि हुआ क्या था। मैं पूरे बाजार को दिन भर देखता रहा। मैंने सोचा था कि आज मैं 2,000 खो देता हूँ, अगर हो गया तो 2,000 का 22,000 हो जाएगा, नहीं तो 2,000 चला जाएगा, क्योंकि मेरा परसों का जो प्रॉफिट था 2,000 रुपया। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं आज लॉटरी खेल लेता हूँ इसकी, ठीक है? तो मैंने उसी 2,000 रुपये को वो किया था, और वो चला भी गया। और बाद में मैं और हमारी फैमिली डर गए, और मैं तो नहीं डरा था क्योंकि मैं तो ऐसे झटके बहुत देख चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि ना इसको एग्ज़िट करो, तो हम एग्ज़िट कर गए। और बाद में जब हम एग्ज़िट कर गए तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये हुआ। देखिए, मैं लगातार ऑप्शन चेंज को देखता आ रहा था, और ये स्टेज जो थी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। ये मतलब कोई ऐसा नहीं है, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और एक्सपीरियंस के साथ में आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ था बाजार में। आगे चल के अगर आप देखोगे तो आपके भी समझ में आ जाएगा। और अभी तो रुको, जो आगे मैं बोलने वाला हूँ ना उससे तो कान खड़े हो जाएंगे सबके, आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो बाजार गिरता गया यहाँ से, 9:15 बजे तक से गिरता गया बाजार, और यहाँ तक, ठीक है? बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए होंगे, लोगों को लगा कि ना एक्सपायरी में अब ऊपर नहीं आएगा, लेकिन आप नहीं बता सकते ना आएगा नहीं आएगा, ये अनुमान हम नहीं लगा सकते। देखिए, बाजार यहाँ तक नीचे आया, ये समय था 12 बजे, नहीं वो छोड़िए, आप यहाँ पर पकड़िए, 12 बज के, 12:15 बजे का वो समय था जहाँ तक बाजार नीचे आया। बाजार ने यहाँ से, जो स्मार्ट मनी है उन लोगों ने इस कैंडल से प्लानिंग शुरू कर दी 12:15 बजे के बाद। अब आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, हम पूरा इंडेक्स का चार्ट देखते हैं, ठीक है, कि कैसे प्लानिंग होती है। मैं आपको इंडेक्स का चार्ट बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 12:15 बजे तक, ठीक है, ये एग्जैक्टली वही है। ये देखिए, 12:15 बजे तक का कैंडल है, ये वाला हाफ हाफ आधे घंटे का जो कैंडल, देखिए 12:15 बजे नीचे टाइमिंग दिख रहा है। यहाँ तक बाजार नीचे गिरता गया, नीचे गिरता गया, लेकिन यहाँ से प्लान बना, यहाँ से प्लान बना। अब प्लान बना, यहाँ पर एक डोजी बना, लाल कलर का
अगर मैं बड़ा करूँ इसको, इस तरह से बड़ा करता हूँ, ठीक है। ये देखिए लाल कलर का डोजी आप देख रहे हैं ना, ये बना। अब ये बना कहाँ पर, बॉटम पे आई, ये हरी लाइन आप देख रहे हैं, ये बॉटम है 44,256, मतलब कहीं पर सपोर्ट रहा होगा पीछे, तो वो लाइन मैंने जो खींची थी पहले से वो अभी आगे आ गई है और वो उसी के ऊपर उसने प्लान शुरू कर दिया है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना भी अपने आप में एक अच्छी महारत है दोस्तों, भले हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे लेकिन देखिए हमने खींचे हुए सपोर्ट पर बाजार रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोई कोई चीज़ धीरे धीरे सीखने में आएगी, पैसे कमाएंगे, एक दिन आपको हम भी दिखाएंगे कि हम इतने कमा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नॉलेज बढ़ रहा है ना, नॉलेज बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस से नॉलेज बढ़ रहा है, हारने से नॉलेज बढ़ रहा है, दूसरे के वीडियोस भी देखने से। कोई कोई ऐसे बहुत महान लोग हैं यूट्यूब के ऊपर जिनका एक क्लू देते हैं, मुझे क्लू मिला था किसी भाई साहब के वीडियो से ऑप्शन चेन देखने का, तो ऑप्शन चेन वाकई में हनुमान चालीसा है शेयर मार्केट की। तो यहाँ पर आया ना, तो यहाँ पर मैंने देखा, इसको मैंने बंद किया और मैंने खोली ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन खोली तो यहाँ पर अभी पूरा मार्केट बंद हो गया ना, तो इसीलिए ये जो पूरे सौदे हैं सब खत्म हो गए और ये जो लास्ट वाले ट्रेड दिख रहे हैं, नहीं तो जो मैंने देखा वो अलग ही सीन था। मैंने देखा यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक लाल, ये हरा था, यहाँ से लेकर ऊपर तक लाल था, यानी कि यहाँ पर पुट बाइंग हो रही थी, बाइंग हो रही थी, पुट राइटिंग नहीं, ठीक है। पुट राइटिंग का मतलब है बाजार ऊपर जाएगा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पुट राइट करना कुछ कुछ गलत फहमियाँ हैं वो आपको सुधारनी पड़ेगी। पुट राइट करना मतलब बाजार नीचे जाएगा और पुट बाय करना मतलब बाजार नीचे जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है वैसे ही कॉल बाय करना, कॉल को बाय करेंगे तो बाजार ऊपर जाएगा, इस साइड में दिखता है वो पूरा हरा होता है वो, ठीक है, ये हरा होता है। कॉल शॉर्ट कवर हो रही है तभी मैं वो तो, उसको तो मैं आपको दिखाई दूंगा। ये देखिए यहाँ पर कॉल शॉर्ट कवर हो रही ना, मतलब बाजार ऊपर जाएगा, ये लास्ट का मोमेंट है बाजार का। कॉल राइटिंग हो रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से कॉल राइटिंग लिखा रहा है तो बाजार नीचे की तरफ जाएगा इस तरह से, और ये कॉल शॉर्ट कवर हो रहा है मतलब बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये सब सीन रहता है। तो ये था, तो यहाँ पर क्या था, इस साइड में पूरी पुट बाइंग थी और यहाँ पर पुट राइटिंग थी, ठीक है। लेकिन ये जो ओपन इंटरेस्ट था ना, इस पर मैंने फोकस किया तो ये बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। कहाँ पर बढ़ रहा था, कॉल पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो ठीक 12:15 के बाद, ये जो कैंडल बना ना बाद में, ये जो कैंडल बना ये वाला 1:15, ये जो कैंडल है इस कैंडल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, कहाँ का, पीई साइड का, ये साइड का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था। हालांकि यहां तक इसलिए एकदम जो एकदम ही है एकदम इन तक पूरे पुट राइटर्स पुट बायर्स थे, मतलब बाजार को नीचे ले जाने में, लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था। चाहे आप यहाँ पर कहीं पर भी पकड़ लीजिए जो नियर द मनी है नीचे की तरफ, और इस साइड में भी बढ़ रहा था, ये कॉल साइड है और ये बाजार को गिराने वाले लोग हैं, और इस साइड में बढ़ रहा था, ठीक है, आउट ऑफ द मनी में बढ़ रहा था, यहाँ पर इन द मनी में बढ़ रहा था, यहाँ पर इन द मनी में बढ़ रहा था, यहाँ पर आउट ऑफ द मनी में बढ़ रहा था। तो मैं इसको वॉच करने लगा, ठीक है। बाजार में एक तो सेंटीमेंट भी होता है, जैसे कि एक साल के बाद आप किसी हवा आपको टच करके जाएगी ना, तो आपको तुरंत एहसास होगा कि ये गर्मी के मौसम की हवा है या ये सर्दी के मौसम की है या फिर बरसात के मौसम की है। और आपको पता है कहाँ ले जाएगी वो हवा, सीधा बचपन में ले जाएगी। ओ मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो ऐसी हवा टच करके जाती थी, ये वही मौसम है। कभी कभी आपको एहसास होता है, जिसको नहीं होता है ना वो अपने सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अपने सिग्नल्स को बढ़ाएंगे, तब जाके आपको भी एहसास होने लगेगा कि हवा से आपको पता चलता कि ये किस मौसम की हवा है, कभी कभी होता है ऐसा। तो मुझे क्या हुआ, मैंने देखा यहाँ पर गया, मैं इसके प्राइस में गया, इतना प्राइस में चेंज हो रहा, बाप रे बाप, प्राइस में इतना चेंजिंग हो रहा है, बहुत स्पीड से चेंजिंग हो रहा है। मैं आपको चार्ट पर दिखा देता हूं, ये देखिए प्राइस में इतना चेंजिंग हो रहा था,
यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 12 बजे के बाद हो गया। उसके बाद प्लानिंग कहाँ से शुरू हुआ, ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में कहाँ से बढ़ना शुरू हुआ था, 12:30 बजे के बाद। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पर विक्स बन रहे थे, टेल बन रहे थे ना, तो ये टेल बता रहे थे, ये देखिए टेल बता रहे थे ना, ये बॉटम में इस तरह से हैमर उमर बनने लगे थे। तो 12 बजे के बाद ये जो चार पैटर्न का जो चार कैंडल का जो पैटर्न है ना, ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। एक सीढ़ी की तरह बन गया ना, जब बॉटम में किसी भी बॉटम में इस तरह का सीढ़ी की तरह जो पैटर्न बनता है ना, तो वो एक फोकस करने वाला समय होता है। ठीक है, जब यहाँ पर बड़ा कैंडल बना, बड़ा बना, बड़ा बना, कोई दिक्कत नहीं है, बनना बनने दो। आपने अगर आपको जानकार है, आप कॉल को बेचो या फिर पुट को खरीदो, वो बात अलग है। लेकिन जब इस तरह के ये जो पैटर्न बनेंगे, ये देखिए ये जो पैटर्न बनेंगे ना, इस तरह के बॉटम में बनते हैं, ये एक सिली की तरह होते हैं, लाल कलर में होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें इस पैटर्न में होलेटिलिटी भी होती है। तो इसी पैटर्न की होलेटिलिटी मुझे बता रही थी कि बाजार में उथल पुथल होगा। अब दिन भर से बाजार तो गिर रहा था, अब उथल पुथल कहाँ होगा, ऊपर की तरफ ही होगा, तो मुझे था अंदाजा। लेकिन ये मैंने 111.55 रुपये लॉस में बेचा। ठीक है, अब मैंने ये सौदा कब लिया, कितने में लिया था, मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्डर में बताता हूँ ना। ये देखिए ऑर्डर में मैंने 12 रुपये का वो पुट लिया था, यहाँ पर देखिए कॉल लिया था, ये देखिए 12 रुपये का, और मैंने 6:30 में बेचा। ठीक है, अब मैंने कितने समय में बेचा, 13:34 में, और मैंने लिया कब था, 12:55 में, 12:55 में लिया मैंने, 1 घंटे बाद बेचा। लेकिन मुझे पता कब चला कि बाज़ार में कुछ गड़बड़ होने वाली है, मुझे तो उसी समय पता चला था कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, 1:12:45 में वो 12 बजे लिया, तो मुझे पता था ये जाएगा, आज कुछ गड़बड़ होगा। उसके बाद धीरे प्राइस क्या करती है, एकदम से ना, मान लो कभी कभी आपकी प्राइस 10 रुपये है ना, तो एक झटके में 5 रुपये चली जाएगी ना, तो वापस से वो 6 रुपये जाएगी, फिर 3 रुपये हो जाएगी, फिर 5 रुपये या 7 रुपये जाएगी, फिर 2 रुपये हो जाएगी। लेकिन यहाँ प्राइस ऐसे नहीं हो रही थी, यहाँ पर प्राइस ऐसे नहीं हो रही थी, यहाँ पर ये प्राइस मान लो यहाँ पर आ गई 5 रुपया, फिर वो उसी कैंडल में 12 रुपये हो रही थी, यहाँ पर ये आई 4 रुपया, फिर ये उसी कैंडल में 16 रुपये हो रही थी, यहाँ पर आ गई ये 10 रुपया, फिर वो उसी कैंडल में 17 रुपये हो रही थी। तो ये हो रहा था। तो एक समय आया जब मैंने अपना सौदा 1:30 बजे जैसे कि आपको बताया बेच दिया, तो 1:45 बजे कंप्लीट रिवर्सल शुरू हो गया, 1:45 बजे कंप्लीट रिवर्सल शुरू हो गया। वो मैंने मुझे कब पता चला, जब मैंने देखा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इन द मनी ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि ये जो बाजार गिराने वाले थे ये धीरे धीरे भागने लगे थे। ठीक है, ये लोग भागने लगे थे, और यहाँ पर कॉल शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, जो जिन्होंने बेचा था कॉल को, मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा था, ये जो नो डिसीजन वाला ना, ये भी बहुत ज़्यादा था। तो कहने का मतलब ये है कि बाजार का जो सेटअप था वो पूरा गिराने वाला ही था, पूरा गिराने वाला ही था। लेकिन एक ही चीज़ बदली हो रही थी, वो थी यहाँ का ओपन इंटरेस्ट, इन द मनी का पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था किसी स्ट्राइक प्राइस में, किसी स्ट्राइक प्राइस में नहीं, 44,300 की बात है, तो वो बढ़ रहा था। और फिर मुझे लगा कि अब बाजार ऊपर जाएगा, फिर मैंने क्या किया, वो जो लॉस में मैंने वो सौदा काटा था, कहाँ गया वो, जो लॉस में मैंने जो सौदा मैंने कट किया था डर के मारे, ये वाला, फिर मैंने ये कॉल लिया और ये कॉल लिया, क्योंकि मुझे पता लग गया था। ठीक है, फिर मैंने बताया नहीं अपने घर में कि मैं ये ले रहा हूँ, जब मैंने ये लॉस कवर कर दिया, उसके बाद 50 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट में आ गया, ये जो मेरा 1100 रुपये का लॉस था इसको मैंने कवर कर दिया उसी टाइम पे। ठीक है, जबकि मुझे इसमें भी विश्वास था, मैंने आज सोचा था कि मैं या तो 2000 रुपये खो दूंगा या तो मैं 22,000 रुपये बना दूंगा, इसी मैंने प्लान से लिया था। ठीक है, लेकिन मैंने जब घर में बताया तो प्लान मेरा फेल हो गया। ठीक है, तो फिर लॉस हो गया, लेकिन लॉस मेरा नहीं होना था ना, अगर ये इसको नहीं बेचता मैं तो लॉस ही नहीं होना था, क्योंकि वो बाद में ऊपर चला गया था, बाद में देखिए ना कैसे ऊपर चला गया था। फिर जब वो पैटर्न बना, फिर ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ बॉटम में बनता है इस तरह का, ये जो 3-4 कैंडल बनती है एक साथ में ना, एक साथ में देखिए ये 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 ये, फिर पैटर्न बना, देखिए 1 रुपया 15 पैसे का कॉल 40 रुपये गया भाई साहब,
1 रुपया 15 पैसे का कॉल 40 रुपये गया, मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए अगर आपने 1 लाख, अगर मान लो कोई बहुत दिलदार आदमी है, बहुत ही मतलब वोलेटाइल आदमी है, बहुत ही मतलब टेंशन फ्री आदमी है, जिसको ये लगता है कि मैं हर रोज़ 5,000 रुपये कमाता हूँ, इस 15 दिन का प्रॉफिट गया तो गया, ऐसा समझ के अगर उसने 1 लाख रुपए लगाया तो उसको कितना लाख रुपया मिला? 40 लाख रुपया। अब यही था स्टार्टिंग में जो मैं बोल रहा था ना कि कोई एक सपना होता है या ऐसा कुछ बोल रहा था ना, तो यही है। लेकिन आपको ना 1 लाख रुपए की कीमत हाथ में आएगी, ठीक, 1 लाख सॉरी, ना आपको 1 रुपए की कीमत हाथ में आएगी, जो सबसे लो आपको पता नहीं चलेगा कि अब यहाँ से घूमेगा, ये तो बोलने वाली बातें हैं, बाजार कहाँ से घूमता है ये किसी को पता नहीं होता है, ठीक है, बाजार खुला है तो गिरेगा या ऊपर जाएगा ये बता सकते हैं, लेकिन किस पॉइंट पे क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता, ये बातें अलग हैं कि हम बताते हैं, हम बताते हैं भाई साहब, हम तो 7 साल से देख रहे हैं, लेकिन हम उस पॉइंट को, हाँ अभी अभी हम लोग पकड़ रहे हैं, जो बहुत ही पुराने लोग हैं वो पकड़ते हैं, वो बताते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए है, मैं चाहे कितना भी आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर उसको पकड़ लेता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उसका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, ठीक है। हमारे देश में महान ऋषि मुनि होके चले गए, गौतम बुद्ध है, इतना ज्ञान बांटे हैं, किताबें उनकी है, हमारी ही धरती है, क्या सारे गौतम बुद्ध जैसे विद्वान है? नहीं है ना, जबकि वो तो हमारे ही पूर्वज है। शिवाजी महाराज देखिए लड़ाई में कितने माहिर थे, लेकिन क्या हम लोग उतने माहिर है? नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, जो चीज़ जिसके साथ हुई है वो उसके लिए हुई थी, वो तो खाली पढ़ के हम लोग सिर्फ ज्ञान बढ़ा सकते हैं, ये है कहने का मतलब मेरा। तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए, 1 लाख से 40 लाख रुपए कमाने के लिए प्राइस क्या हुई? 1 रुपए पे आई, और 1 रुपए के आने के बाद अचानक इतनी भयानक शॉर्ट कवरिंग आई, इतनी अचानक तो नहीं बोल सकते हैं, ये प्लानिंग शुरू हुई थी 12:15 बजे के बाद, सिर्फ वो क्षण बाकी था जहाँ पर से शॉर्ट कवरिंग आना बाकी था। तो यहाँ पर देखा, ये वीडियो भी लंबी है, लेकिन लंबी वीडियो है, मैं तो भाई रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, मेरा चैनल है इसलिए मैं डाल रहा हूँ, मैं पहले लिख के रखता था, नोट्स बना के रखता था, मेरे पास पूरा बक्सा भर गया इस शेयर मार्केट में नोट्स लिखने लिखते, पैटर्न बनाते बनाते, फिर मैंने सोचा कि उसको तो कभी कभी पढ़ता हूँ मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसको वीडियो बना के डाल देता हूँ, ताकि मैं ही अपना वीडियो कुछ दिन के बाद देख लूँ कि क्या हुआ था, किस दिन एक्सपायरी के साथ क्या हुआ था। तो ये, तो अचानक जब देखा तो अचानक एक समय था, वो 3 बजे के बाद का समय था, यहाँ पर देखा तो ओपन इंटरेस्ट तकरीबन 12 लाख, पहले 6 था 4 था 5 हुआ फिर 7 हुआ, इस तरह से हुआ और एकदम से डबल हुआ, और यहाँ का जो था वो उतना ही था, इससे अंदाज़ा लग गया कि अब बाज़ार में शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन तब तक मैं क्या हुआ था हमारा ये जो है वो कट गया, अभी वो जो था हमारा जो मैंने बेचा वो मैंने बेच दिया था, फिर मैंने दूसरे कॉल को लिया, और दूसरे कॉल को लेने के बाद फिर मैंने क्या किया, मार्केट में प्रॉफिट कमाया। तो ये कहानियाँ हुई थी, ये इसी कॉल की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर आपको इस तरह का ये पैटर्न बने बॉटम में तो समझ लेना चाहिए, और समझने के बाद ऑप्शन चेन को रीड करें, और यहाँ पर भी आप, ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में नहीं आया, तो आपके हाथ में आ सकता है। 1 रुपया 14 पैसे का कॉल 40 रुपये का हो गया है, यानी कि 1 लाख रुपये के 40 लाख रुपये, भले आपको ये हाथ में ना आए, आप उसको 9 रुपये में पकड़िए, आप उसको 5 रुपये में पकड़िए, क्या दिक्कत है। 2,000 रुपये अगर मान लो, 2-3 हज़ार रुपये, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, 2,000-3,000 रुपये अगर चले जाएंगे, इसको बोलते हैं हीरो और जीरो, जो टीवी पे नहीं बताते हैं कि हीरो और जीरो कॉल ले लीजिए, तो ले लीजिए महाराज, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन आप इस तरह की जो वो पढ़ाई में जो सेटिंग करेंगे ना कि कहाँ पर ले लीजिए, तो आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर हम ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि ठीक, 1 रुपया 14 पैसे पे कोई नहीं ले सकता, कितनी भी पढ़ाई करे, लेकिन आपके हाथ में 2 रुपये का आ जाएगा, 3 रुपये का आ जाएगा, है ना, 5 रुपये का आ जाएगा, लेकिन देखिए ना, तब भी 5,000 रुपये के 5 रुपये के 40 रुपया कम है क्या? 5 लाख रुपए के 40 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के 40 लाख रुपया, लेकिन आप यहाँ पर भी नहीं बेच पाएंगे, यहाँ पर तो कोई नहीं बेच पाएगा कि बाजार कहाँ से, ये तो लोग बोलते हैं कि
हम लोग को पता लगता है कि हम कहाँ से बेच सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं। हाँ, खरीदने के बारे में भी भले ही पता लग जाएगा, लेकिन बेचने के बारे में भी हम इतना नहीं कह सकते हैं कि पता नहीं लगेगा, वहाँ पर भी लग सकता है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि अब यहाँ से घूमेगा वहाँ से घूमेगा, क्योंकि एक ये अंदाज होता है कि यहाँ से घूमेगा वहाँ से घूमेगा। जो परफेक्ट पढ़ाई वाले हैं उनका भी थोड़ा सा आगे पीछे प्लस माइनस होता है। तो आपको 40 लाख ना मिले, लेकिन फिर भी इसी एक आधे घंटे में डबल तो हो गया ना, डबल तो हो ही गया ना। तो ये है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन चेन इन सब की हनुमान चालीसा है। कोई भी आप खुद से पढ़िए, 6 महीने में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चेंजेस होता है ऑप्शन चेन में तो बाजार ऊपर जाता है, और क्या चेंजेस होने से बाजार नीचे जाता है। वो एग्जैक्टली मोमेंट का पता लगता है ना उनको कि अब यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ रहा था, यहाँ पर अचानक तो लग गया था कि बाजार ऊपर जाएगा। ऐसे कंडीशन में फिर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आप उधर तक जाएगा ही नहीं, बाजार ऊपर जाएगा बाजार, है ना, दूसरी दिशा में जाएगा ना, स्टॉप लॉस की तरफ जाएगा ही नहीं वो, क्योंकि आपको तो पता लग गया ना कि यहाँ से घूमेगा बाजार। फिर बाजार नीचे क्यों जाएगा बावला बन के, वो तो ऊपर जाएगा। बाकी तो क्या, ऑप्शन चेन पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई साहब।